यह वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट पिटबुल वर्सेस टाइगर और दूसरा पार्ट क्या दो पिटबुल एक टाइगर को हरा सकते हाँ या ना। पहले पार्ट के टॉपिक कुछ ऐसे कि पिटबुल और टाइगर की बायोग्राफी, कितने ह्यूमंस को पिटबुल और टाइगर ने मारा, कितने वाइल्ड एनिमल को पिटबुल और टाइगर ने मारा, कितने एनिमल को पिटबुल और टाइगर ने मारा, कौन कौन से कंट्री में पिटबुल और टाइगर बैन है, और पिटबुल और टाइगर की टाइप्स कौन कौन सी है। और दूसरा पार्ट ये है क्या दो पिटबुल एक टाइगर को हरा सकते हाँ या ना। तो इसके ऊपर टॉपिक कुछ ऐसे है। पहला टॉपिक जो कि है फर्स्ट अटैक, मतलब पिटबुल और टाइगर में से पहला अटैक कौन करेगा। सेकंड टॉपिक दोनों का अग्रेशन कैसा है। थर्ड टॉपिक बाइट फोर्स कितना है। फोर्थ टॉपिक स्पेशल टेक्निक किसी की है। फिफ्थ टॉपिक हाइट कितना है। सिक्स्थ टॉपिक वेट कितना है। सेवन्थ टॉपिक कौन अटैकिंग में अच्छा है। नाइन्थ टॉपिक कौन डिफेंस में अच्छा है। टेंथ टॉपिक क्या उनका जो कोर्ट है वो इनकी रक्षा करता है। 11th टॉपिक इनका स्ट्रेंथ कितना है। 12th टॉपिक इनकी मोबिलिटी कितनी है। और 13th टॉपिक इनका ओबिडेंस कैसा है। तो ये वीडियो और ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली आपके लिए, तो वीडियो पूरी देखना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। पार्ट वन पिटबुल वर्सेस टाइगर। तो टॉपिक नंबर वन है बायोग्राफी। बात करें पिटबुल की तो पिटबुल का बायोग्राफी कुछ ऐसा है कि बुलडॉग और व्हाइट टेरियर और ब्लैक टेरियर के साथ क्रॉस करके एक शक्तिशाली डॉग ब्रीड बनाई गई जिसका नाम रखा गया पिटबुल टेरियर। सन 1200 में इंग्लैंड में एक गेम होता था जिनमें इनकी फाइट होती थी और पिटबुल को फाइट के लिए यूज किया जाने लगा, तभी से पिटबुल फाइटर डॉग कहलाने लग गया। वही अमेरिका में पिटबुल को बुल कार्ट खींचने के लिए यूज किया जाता था। ये इतना ज्यादा हैवी वेट को खींचते थे कि ये डॉग ब्रीड पॉपुलर हो गई और इसका नाम रख दिया गया अमेरिकन पिटबुल टेरियर। बात करें टाइगर की तो टाइगर के बारे में मुझे इंटरनेट में कहीं नहीं मिला कि ये कहां से आए। बस मुझे इतना पता चला कि टाइगर आज से 2 मिलियन ईयर पहले से इस दुनिया में है। इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर है जो कि है 2226 टाइगर जो कि इंडिया में है। टॉपिक नंबर टू पिटबुल और टाइगर में से किसने सबसे ज्यादा ह्यूमंस की जान ली। तो बात करें पिटबुल की तो पिटबुल एक साल में 66 ह्यूमंस की जान ली है, वहीं टाइगर एक साल में 1800 ह्यूमंस की जान ली है। टॉपिक थ्री कितने एनिमल्स मरे हैं पिटबुल और टाइगर से। तो यहाँ पर पिटबुल ने 500 अटैक किए थे डॉग्स के ऊपर जिसमें से 284 की मौत हो गई और ये अटैक यूएस में हुआ था 2005 से लेकर 2017 में। बात करें टाइगर की तो टाइगर हर साल 50 वाइल्ड एनिमल को मार देता है। टॉपिक नंबर फोर बैन इन कंट्री। तो जहाँ पर पिटबुल न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड और नॉर्वे में बैन है। बात करें टाइगर की तो टाइगर एक कंट्री है कैम्बोडिया नाम की, वहाँ पर बैन है और बहुत सारे कंट्री में टाइगर है ही नहीं क्योंकि टाइगर की आबादी बहुत कम है। टॉपिक फाइव वाइल्ड एनिमल किल। तो यहाँ पर पिटबुल ने एक बार वुल्फ को मार दिया था, फॉक्स को भी मार दिया था और पिटबुल दम रखता है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल को मारने का। बात करें टाइगर की तो टाइगर हर साल 50 वाइल्ड एनिमल को मार देता है। टॉपिक सिक्स टाइप्स। तो यहाँ पर पिटबुल के चार टाइप है जिसमें से अमेरिकन बुल्ली, अमेरिकन पिटबुल टेरियर, अमेरिकन शेफर्ड शाइन टेरियर और शेफर्ड शाइन बुल टेरियर। यहाँ पर टाइगर के छह टाइप है जिसमें से है समर्टन टाइगर, बंगाल टाइगर, साइबेरियन टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, मलायन टाइगर और हाँ साउथ चाइना टाइगर। ये छह टाइप है। पहले टाइगर के 9 टाइप होते थे लेकिन उनकी जो स्पीशीज थी वो खत्म हो गई, तो अभी सिक्स टाइप ऑफ टाइगर ही बचे हैं। पार्ट टू क्या दो पिटबुल मिलके एक टाइगर को हरा सकते हाँ या ना। टॉपिक वन फर्स्ट अटैक। तो फर्स्ट अटैक देखे तो टाइगर का जो फर्स्ट अटैक है तो वो दोनों पिटबुल के ऊपर भारी पड़ेगा, तो फर्स्ट टॉपिक का विनर है टाइगर। सेकंड टॉपिक अग्रेशन। यहाँ पर पिटबुल का अग्रेशन है हाईली अग्रेसिव और यहाँ पर जो टाइगर का अग्रेशन है वो है एक्सट्रीमली अग्रेसिव, तो सेकंड टॉपिक का विनर है टाइगर। थर्ड टॉपिक बाइट फोर्स। तो बाइट फोर्स देखे तो टाइगर का बाइट फोर्स है 1050 पाउंड, पिटबुल का बाइट फोर्स है
235 पाउंड, लेकिन दो पिटबुल के बाइट फोर्स को मिला दे तो टोटल होता है 470 पाउंड, जो कि टाइगर का भी आधा है। तो इस पॉइंट का विनर भी टाइगर है। फिफ्थ पॉइंट, स्पेशल टेक्निक। स्पेशल टेक्निक अगर टाइगर की देखे तो टाइगर डायरेक्ट अटैक करता है अपने एनिमी के ऊपर, वहीं पिटबुल सामने वाले एनिमी के गर्दन में अटैक करता है। तो यहाँ पिटबुल थोड़ा सा टाइगर को टक्कर दे रहा है इस पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट, हाइट। तो हाइट देखे तो यहाँ पर टाइगर की हाइट है 70 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर। पिटबुल अगर दो पिटबुल को अगर एक के ऊपर एक खड़ा कर दे तो उनकी टोटल हाइट होती है 90 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर। तो मतलब दो पिटबुल और एक टाइगर, तो दोनों का जो हाइट है वो इक्वली रहेगा। तो इस पॉइंट का विनर टाइगर है। सेवंथ पॉइंट, वेट। तो वेट देखे तो पिटबुल का वेट है 16 किलो से 30 किलो तक, वहीं टाइगर का वेट है 90 किलो से 310 किलो तक। तो इस पॉइंट का विनर है टाइगर। सेवंथ पॉइंट, अटैकिंग। तो अटैकिंग देखे तो यहाँ पर जो दो पिटबुल है वो दो पिटबुल जाके टाइगर के गर्दन में अटैक करेंगे, वही टाइगर का जो अटैकिंग है वो होता है डायरेक्ट अटैक। तो यहाँ पर जो दो पिटबुल है वो इस पॉइंट में टाइगर के ऊपर भारी पड़ेंगे। तो इस पॉइंट का विनर है पिटबुल। एट पॉइंट, डिफेंस। तो डिफेंस देखे तो टाइगर का कोई उतना अच्छा डिफेंस नहीं होता, वही पिटबुल का भी उतना अच्छा कोई डिफेंस नहीं होता। तो इस पॉइंट में होता है टाई। नाइन्थ पॉइंट, कोट। मतलब किसका कोट कैसा है जो कि उसकी रक्षा करे। तो यहाँ पर पिटबुल का भी कोट नॉर्मल होता है और टाइगर का भी कोट नॉर्मल ही होता है। तो इस पॉइंट में भी होता है टाई। टेंथ पॉइंट, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ देखे तो यहाँ पर पिटबुल का स्ट्रेंथ होता है हाई और यहाँ पर टाइगर का जो स्ट्रेंथ है वो होता है एक्सट्रीमली हाई। तो इस पॉइंट का विनर है टाइगर। 11th पॉइंट, जो कि है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी देखे तो यहाँ पर जो टाइगर की मोबिलिटी है, मतलब जो क्विक रिस्पॉन्स है, वो टाइगर का अच्छा है। तो इस पॉइंट का विनर है टाइगर। 12th पॉइंट, जो कि है ओबिडेंस। मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया या फिर किसी चीज़ को खींचना हो गया। तो खींचने में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में पिटबुल आगे, क्योंकि पिटबुल बहुत सारे हैवी वेट को खींच सकता है। तो इस पॉइंट का विनर है पिटबुल। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या वो दो पिटबुल मिलके एक टाइगर को हरा सकते हैं, हाँ या ना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए, और हाँ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना। तो इसका आंसर है कम से कम 5 या 10% चांसेस है कि दो पिटबुल मिल के टाइगर को हरा देंगे। बस वो दो पिटबुल का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहना चाहिए कि एक अगर गर्दन में अटैक कर रहा है तो दूसरा पीठ में चढ़ गया है। तो अगर इस टाइम में कुछ अटैक होगा तो दो पिटबुल मिल के शायद एक टाइगर को हरा दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ऐसी और वीडियो देखने के लिए, और हाँ बेल आइकन को ऑल कर देना। मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना और अपने डॉग का ध्यान रखना और हाँ घर पर ही रहना। बाय बाय।